दृष्टिता चक्रवर्ती और आज हम लोग स्टार्ट हो गए हैं एक न्यू एसेंशियल वीडियो के साथ, जो एटलीस्ट भाई इलेवेंथीज को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नया नया इलेवेंथ में आए हैं उन लोगों के लिए, दैट थिंग्स वी शुड प्लान। फॉर गुड रिजल्ट्स। हाँ, वो तो तुमने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया था कि मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका सबसे मूल रीज़न है, जिसका सबसे प्राइम रीज़न, जो मेरे को लगता है इससे प्राइम कुछ हो नहीं सकता, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से प्राइम भाई कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। वन सिंगल लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मुझे पता है ये पूरी चीज़ तुम किसी और से भी सुन के ही आए हो कि वन सिंगल लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट ये भी सिखाया जाएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो भाई खुद से जानना है ना। यहाँ पे मैं और एक चीज़ डिस्कशन करने वाली हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। काफ़ी विश्लेषण करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई, जो मुझे इलेवेंथ में नहीं समझ आई थी, कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है वो है रीडिंग। सिंपल नॉर्मल सी रीडिंग मारी हम लोगों ने, ठीक है, सिंपल नॉर्मल सी रीडिंग बनाई एसोसिएटेड विथ रफ़ कॉपी रखनी है हम लोगों को, ठीक है। रफ़ कॉपी में क्या होगा, द रफ़ नोट होगा यहाँ पे। अगर मैंने रफ़ नोट नहीं बनाया तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें कवर करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो मुझे एक रफ़ नोट बनाना ही है। एंड ये मैं सिर्फ बायोलॉजी के केस में नहीं बोल रही हूँ, जब भी हम लोग कोई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, हम लोग को रफ़ नोट बनाना पड़ेगा जब भी हम लोग रीडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग पढ़ने के बाद क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बस रीडिंग पढ़ लिया और कुछ भी एक रफ नोट में लिख दिया। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये रफ नोट का जो केस है, ये तो आफ्टरवर्ड्स है, ये एसोसिएटेड रहना चाहिए, बट ये आफ्टरवर्ड्स है, इसका काम बाद में है, ठीक है। पहले तो हमें मीनिंग समझना होगा, मीनिंग समझ के अगेन रीडिंग, ठीक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को एनसीईआरटी, ठीक है, फिर से हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। पहले परखना है उसको, पहले हम लोग को देखना है, रीडिंग पढ़ना है कि ये टॉपिक है किस बारे में, फिर रीडिंग करके हम लोग को समझना है कि टॉपिक में बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग को फिर से एक रीडिंग मारनी है। अब तक ये थर्ड वाली रीडिंग मारने के बाद वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है, ये थर्ड वाली रीडिंग पढ़ने के बाद वी विल अंडरस्टैंड। उसके बाद फोर्थ क्या करना है, स्क्रिबल इट इन रफ़ नोटबुक में क्या करना है, हम लोग को उस चीज़ को लिख लेना है, या हम कहें तो एक रफ रिवीजन मारने के लिए जितना नेसेसरी होता है उतना हम लोग को लिख के रखना है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी। मैं टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी बोल रही हूँ, मैं एक पेज बाय पेज नहीं बोल रही हूँ। एंड बाय गॉड, अगर तुम लोग इसको फॉलो करते हो, देन ईच पेज विल कंज्यूम 15 to 20 minutes। बाय गॉड, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी कितना टाइम लेती है एक एक पेज को कवर करने के लिए। अगर ये वाली प्रोसीड्योर फॉलो हुई तो, इतनी टाइम लेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो गया मेरे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, मैंने एनसीईआरटी की बात भी बोल दी। यहाँ पे मैंने ये भी बोल दिया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ जो हम लोग को करना है, जिसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था, दैट इज़ इंटीग्रेटेड नोट्स बनानी है हम लोग को, ठीक है। एंड नोट्स डिटेल्ड होनी चाहिए, ठीक है, डिटेलिंग इज़ मस्ट,
चाहे तुम कुछ भी एग्ज़ाम दो, बॉडी दे दो, तुम अगर सोचो पहले तुम्हारी बॉडी आ रही है, मैं कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रही हूँ, पहले बोर्ड आ रही है तुम्हारी, तो उसके लिए भी तुमको डिटेलिंग से पढ़ना पड़ेगा। डिटेलिंग नोट्स शुड बी देयर, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि तुम हर एक क्षण में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पर अगर तुम्हारे पास डिटेल्ड नोट रहेंगे तो वो भी अगर तुम 5 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट अगर यू विल इफ़ यू गिव अ विजन रिविजन, इसको विजन रिविजन कहते हैं कि सोचो तुम्हारी क्लासेस है, क्लासेस के पहले तुमको रिवीजन करनी है, तो क्लासेस के पहले वाली जो रिवीजन तुमको करनी है उसको हम लोग विजन रिवीजन कहते हैं। तो विजन रिवीजन अगर हम लोग 5 मिनट के लिए भी करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी दूसरी वाली रीज़न, पहली वाली रीज़न तो पता लग गया, ये पहली वाली रीज़न थी, ये दूसरी वाली रीज़न है। तीसरी वाली रीज़न पे आते हैं। आई नो माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट, बट तुम लोगों के नोट्स मैं प्रॉमिस कर रही हूँ अच्छे हैंड राइटिंग में आए हैं। थोड़े से रफ़ काम चल रहे हैं इधर, इसीलिए अभी मैं नहीं ला पा रही हूँ, पर मैं नोट्स बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, थर्ड रीज़न क्या है? तो थर्ड रीज़न ये है कि हम लोगों को क्या करना है, एनी गेसेस कि हम लोग को क्या करना चाहिए? नोट्स छोड़ के, एनसीईआरटी छोड़ के हम लोग को क्या करना चाहिए? देखो, हम सबको पता है कि तुम लोग ऑनलाइन आ रहे हो एंड ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हो, कोई कहीं ना कहीं तो है, वेदर इट्स PW, वेदर इट्स एलन, वेदर इट्स आकाश, वेदर इट्स अन अकेडमी, और पता नहीं कितने कितने हैं, अडा 24/7, फिर तुम्हारा किसी का भी अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल जैसे कि हम लोग का है, तो ऐसे पता नहीं कितने जन का क्लासेस है, सब क्लासेस ले रहे हैं, सब क्लासेस ले रहे हैं अभी, ठीक है। और तुम किसी ना किसी एक का क्लास फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे जो तुम्हारी सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, इसको मुझे अलग से हाईलाइट करना चाहिए था, मैंने गलती की थोड़ी सी, पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉलो ओनली वन टीचर। भाई अगर तुम बार बार टीचर चेंज करते रहोगे, अगर तुम बार बार टीचर चेंज करते रहोगे तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होगी, जो अभी शायद ना समझ आए पर बाद में जाकर ज़रूर समझ आएगी, क्योंकि तुम जब एक टीचर के स्टाइल पे चलोगे फिर दूसरा टीचर अपना स्टाइल तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा, तब तुमको प्रॉब्लम होगी, यू विल फेस अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ फॉलो करना है, ये चीज़ प्लीज़ फॉलो करना। आई डोंट नो हाउ मच सीरियसली यू विल टेक माई वर्ड्स, बट ट्रस्ट मी, 12th में जाके एक एक अक्षर तुमको याद आएगा, ठीक है। इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ जोक, बिकॉज सबको यही चीज़ें समझाता है, मैं भी यही चीज़ें समझा रही हूँ, पर मेरा डिफरेंस क्या है, मैं अभी तक एक ऑनगोइंग स्टूडेंट हूँ और मैं जस्ट एक साल पहले तुम लोग को फ्रेश एक्सपीरियंस दे के बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें करना है। हम ऑनलाइन क्लासेस में तुमको क्या करना है, मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस में तुम कोई एक मेन कोर्स कर रहे हो, शायद तुम्हारे पास कोई मेन कोर्स है, भाई खाने की मेन कोर्स नहीं है, ये तुम्हारी एजुकेशन की मेन कोर्स है, कोई एक मेन कोर्स में क्या सब लेक्चर दे रहे हैं, तो तुम लाइव लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तुम लाइव लेक्चर देख रहे हो, पर जब तुम लाइव लेक्चर देख रहे हो तब तुम्हें दो चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है। पहला बात है कि कॉपी द नोट्स, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी द नोट्स, ओके, जो भी नोट्स लिखा रहे हैं कॉपी करो, स्क्रिबल भी अगर कर रहा है तो वही नोट कर लो, ठीक है, कॉपी द नोट्स। सेकंड चीज़ क्या है, रिवाइज 15 मिनट्स, आई से 15 मिनट्स रिवाइज करना है बस, ठीक है, क्योंकि मैं देखो मैं 11th की एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं अभी तक 12th में आई नहीं हूँ, ठीक है, मैं अभी तक 12th के टॉपिक में बात ही नहीं कर रही हूँ तुम लोगों से, सिर्फ 11th का टॉपिक में बात कर रही हूँ, यहीं पर मैं बता रही हूँ कि रिवाइज करो 15 मिनट्स के लिए। अब कोई पूछेगा भला दीदी 15 मिनट्स के लिए कैसी रिवीजन है, ऐसी ही रिवीजन है, मैंने कहा यहाँ पे विजन रिवीजन के बारे में, विजन रिवीजन 5 मिनट लेता है, अगर ये पूरा टॉपिक का फिर विजन रिवीजन भी सही से कर दो तो वो 15 मिनट से ज़्यादा तो लेगा नहीं, हाँ मैं सच बता रही हूँ 15 मिनट से ज़्यादा लेगा नहीं, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स का काम हमें करना है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये करके रखेंगे तो कभी भी लाइव लेक्चर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर लाइव लेक्चर नहीं देख रहे हो, अगर लाइव लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो फिर भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी तो कोई देखता है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ये सेम पॉलिसी फॉलो होगा, क्या होगा, ये सेम पॉलिसी फॉलो होगा, ये सेम पॉलिसी फॉलो होगा, ठीक है, ये सेम पॉलिसी फॉलो की जाएगी अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हो, ठीक है। I am explaining you because I know what will happen if you don't listen to these guidelines, okay? So that is the reason I am explaining you. मुझे पता है बहुत
कम लोग इसे को देख रहे हैं, पर जो लोग भी देख रहे हैं वो ये नहीं कह सकते कि कैरी झूठ बोल रही है, नहीं ऐसी नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने तीन मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको बता दिए हैं। पहली बात तो NCERT के बारे में है, दूसरी बात इंटीग्रेटेड नोट्स के बारे में है जो तुमको बनाना है, ये वाली तुमको बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुमको अभी से सीख लेना पड़ेगा। कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। 11th 12th से खुद की नोट्स बनाने की प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्लासेस अगर कर रहे हो तो तुम्हें किसी एक टीचर को फॉलो करना है। और ये रिविजन वाला पार्ट, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि इस पार्ट को मैं पूरा हाईलाइट ही कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू डू, तो तुम्हें ये वाली पार्ट करनी ही है, ठीक है। तो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया, मुझे नहीं पता मैंने कितने मिनट की वीडियो बनाई है, पर जो भी हो मैंने वीडियो बना दी है तुम लोगों के लिए, ये पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अच्छा, ऑल्सो आई एम इंक्लूडिंग दिस थिंग्स कि अभी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं तुम लोगों को फॉर गुड रिजल्ट्स, ये सब पॉइंट्स मैंने खुद से लिखे हैं, खुद से तुम्हारे लिए इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट किया है तुम्हारे लिए, ठीक। तो अब हम लोग 11th की क्या बोलते हैं पेस सीरीज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पेस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक चैप्टर को लेंगे और जितना कम टाइम पॉसिबल हो सके उतना कम टाइम में NCERT को कवर करेंगे वन शॉट में, ठीक है। NCERT को कवर करेंगे हम लोग वन शॉट में। तो NCERT जब कवर हो जाएगी तब हम लोग डिटेलिंग में स्टार्ट करेंगे, पर पहले वन शॉट आएगा, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ, पहले वन शॉट आएगा, तो मेरा वन शॉट लेक्चर्स आते रहेंगे, मेरे वन शॉट आते रहेंगे, जो कि मैं हमेशा ट्राई करूँगी 15 to 30 minutes रखने का, ठीक है। अगर छोटा चैप्टर हुआ तो 15 minutes, अगर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हुआ तो 30 minutes। और ये भी बताऊँगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये भी मैं बता दूँगी। ऑल्सो ये मुझे करंट न्यूज़ मिली है, ये जो करंट न्यूज़ मिली है मेरे को, कि अगर तुम लोगों के NCERT से कुछ भी ऑमिट जा रहा है, अगर तुम्हारे NCERT से कुछ भी ऑमिट जा रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉलो दैट, ठीक है। डोंट फॉलो दैट, नहीं फॉलो करना है, न्यू NCERT को नहीं फॉलो करना है, ठीक है। न्यू NCERT को नहीं फॉलो करना है, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को पुरानी वाली NCERT को फॉलो करना है। इसीलिए जिन्होंने अभी तक NCERT नहीं खरीदा है, दो यू आर वेरी लेट इफ़ यू हैव नॉट परचेज इट, ओके, इफ़ यू हैव नॉट परचेज इट देन प्लीज़ परचेज। और जिन्होंने न्यू NCERT खरीद ली है वो लोग अभी कहेंगे दीदी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम उसी चैप्टर का PDF निकालो, PDF निकाल के जेरोक्स मार लो, बस जेरोक्स मार लो, जेरोक्स में कितना लगेगा, जेरोक्स मार लो, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। पर बायोलॉजी के लिए, मैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है ये नया NCERT वाला जो है, हम लोग का NCERT है, वो NTA ने अप्रूव नहीं किया है, मुझे जहाँ तक न्यूज़ मिली है। आई डोंट नो द डिटेल न्यूज़, ओके, आई विल बी टेलिंग यू द डिटेल न्यूज़, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मुझे ये न्यूज़ मिली है, लेटेस्ट न्यूज़ है ये, ठीक है, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। तो मेरी वन शॉट आती रहेगी 15 to 30 minutes के, और उसके साथ PDF भी अटैच रहेगा। पर हाँ, ये मत करना कि वीडियो देखे बगैर PDF लेके भाग गए, वो चीज़ करोगे तो वहाँ के अंदर जो मैं बात बताने वाली हूँ वो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। फिर अब कोई मेरे को बोल सकता है कि आपकी बात क्यों सुनूं? हाँ भाई, ये तो इम्पॉर्टेंट बात है कि तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, पर हाँ क्यों सुनना है, क्योंकि आई एम अ फ्रेश स्टूडेंट स्टिल नाउ, अभी मैंने फ्रेश एकदम 11th निकाला है। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे 11th में 75% मार्क्स आए, विच इज़ नॉट क्वाइट डिसेंट, ठीक है, मुझे 85 तो लाना ही था। पर जो भी हो, इसके भी बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, क्यों 75 आए हैं और क्यों 75 नहीं लाना है, कैसे 90 लाना है, इसकी भी टिप्स मैं ही दूंगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट हूँ तो मुझसे सारा ताज़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए मैंने बता दिया है, मैंने अपनी नोट स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बता दी है। बायोलॉजी करते करते हम लोग केमिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, और फिजिक्स की तो श्योरली करेंगे, पर पहले अभी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे इनिशियली, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक भी ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो न्यू 11th आए हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए सब फ्रेश एक्सपीरियंस की बातें बोल रही हूँ मैं, किसी से कोई बातें कॉपी करके नहीं बोल रही हूँ, ये खुद की एक्सपीरियंस हुई है। हाँ, मेरे काफ़ी मेंटोर्स हैं यूट्यूब में, काफ़ी मेंटोर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है इनडायरेक्टली थ्रू देयर यूट्यूब वीडियोस, तो भाई उनसे भी मैं इंस्पायर हुई हूँ। और अगर तुम लोगों को ये भी चाहिए कि कौन सबसे अच्छा ट्रेनिंग देता है स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स के लिए कौन अच्छी वाली ट्रेनिंग देता है, तो वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगी,
वो भी मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि हु इज़ गुड फॉर व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये भी मैं बहुत अच्छे से तुम लोग को डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा चैप्टर्स है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को फॉलो करना है, अभी हम लोग को सिलेबस फॉलो कर लेना है, स्ट्रैटेजीज़ तो हम बता रहे हैं अभी, पर स्ट्रैटेजी के साथ साथ तो वन शॉट भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आज के लिए था, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले प्लीज़। एंड अगर बहुत अच्छा लगे, अगर मेरे साथ जुड़ने की और इच्छा हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। दैट विल बी अ वेरी ऑब्लाइज्ड केस अगर तुमने ऐसा किया है। सो वी विल बी कनेक्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ऑल्सो, बहुत अच्छे से हम लोग की बातचीत हो सकती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।